नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में ताबातोड़ जनसभाएं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने देहरादून में कांग्रेस के घोषणा पत्र न्याय पत्र के बारे में जानकारी दी। भाजपा पर एजेंसी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। उधम सिंह नगर जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन। शत प्रतिशत मतदान के लिए लोगों को किया जागरूक। और तापमान बढ़ने के साथ जंगलों में आग लगने की होने लगी घटनाएं। बागेश्वर और टिहरी जिले में समय रहते बुझाई गई आग। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियों का प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में भाजपा, कांग्रेस, बसपा सहित तमाम पार्टियों के प्रत्याशी लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नैनीताल जनपद के भीमताल विधानसभा क्षेत्र के धारी ब्लॉक के लेटीबुंगा हिमगिरी स्टेडियम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी ने दावा किया कि वो जहां भी जा रहे हैं उन्हें जनसमर्थन मिल रहा है। जहां जा रहे हैं जन सैलाब उमड़ के आ रहा है। कार्यकर्ताओं में तो उत्साह बहुत है, लेकिन अति उत्साह होने के बावजूद ये मुझे लगता है कि जनता ने अपने हाथ में ये इलेक्शन ले लिया है। पूरा चुनाव जनता लड़ा रही हो जैसे ऐसे लग रहा है। खुद ही जनता आगे आ गई है। माताएं, बहनें, बुजुर्ग लोग, जवान लोग गांव गांव से मोदी जी कमल का फूल जब ये कहते हैं तो तसल्ली होती है कि अब मोदी जी को किस तरह से लोगों ने अपने दिल में बैठा लिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को महज छलावा करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आज जब मोदी सरकार का काम धरातल पर दिख रहा है तो कांग्रेस लोक लुभावन और तुष्टिकरण की घोषणाएं कर रही है। कांग्रेस ने जो देश आजादी के बाद से लगातार वोट बैंक की राजनीति की है, तुष्टिकरण किया है, और ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र है। जिस प्रकार से उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड की बात की है, मुस्लिम लीग का ही जो है घोषणा पत्र लगता है, और देश की जनता तुष्टिकरण से, परिवारवाद से, भ्रष्टाचार से ऊब चुकी है, और मोदी जी ने जो संकल्प लिया है इसलिए मोदी जी के साथ देश की जनता है, उत्तराखंड की जनता है। पांचों सीटों पर हमारी भारी जीत होगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी भी अपनी जीत का दावा करते हुए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह कमर कस चुका है। क्षेत्रीय जनता जागरूक हो चुकी है। जो भी समय है उस समय हमारे सांसद की जो नकारापन है, निष्क्रियता थी, निष्फलता थी, उसको उजागर करने के लिए काफ़ी है। जनता जवाब देना चाहती है, बदलाव चाहती है, और हम भारी बहुमत से चुनाव को जीतने जा रहे हैं। हमारे सांसद की जो नकारापन है सबसे बड़ा मुद्दा वही है। अपनी सांसद निधि का सांसद 40% भी इस्तेमाल नहीं कर पाए, गोद लिए हुए गाँव की तरफ पलट कर नहीं गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में ताबातोड़ जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। इसी के तहत आज दोपहर में टिहरी जिले के चंबा नगर में भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की उपलब्धियाँ गिनाई। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया कि इस बार भी जनता राज्य की पांचों लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय दिलाएगी। एक बार नारा दिया है 400 पार का, हम लोग उसमें अपना सहयोग करेंगे। हर बार यहां से 5 सीटें जीतते आए, इस बार भी बड़े अंतर से 5 सीटें जीतेंगे। कहीं कोई मुकाबला नहीं है, और आप देख ही रहे होंगे कांग्रेस में इस बार टिकट लेने वाले लोग ही नहीं थे, बड़ी मुश्किल से खोज-खोज के टिकट दिए गए। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नेमचंद ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नई टिहरी, बौराड़ी, कोटी कॉलोनी क्षेत्रों में जनसंपर्क कर वोट मांगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में टिहरी लोकसभा में कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं।
मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जहाँ जहाँ भी जिस क्षेत्र में गया है वहाँ पर कहीं पर सड़कें नहीं, कहीं पर पानी नहीं, कहीं पर शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य डॉक्टर आई, कोरोना आया, लोग वहाँ से भाग के यहाँ आए और फिर जो है बहुत परेशान है लोग। कहने लगे हमें यहाँ पर रोजगार चाहिए, लोगों ने जगह जगह अपने ढाबे खोले, रोडों पे ठेलियाँ खोली, वहाँ पर भी जो है वहाँ भगाया जा रहा है। भाइयों मैं कहना चाहता हूँ कि गरीबों का ध्यान रखो जो भी पार्टी है। कांग्रेस खेमे से लगातार दिग्गज नेताओं का भाजपा में आने का सिलसिला जारी है। आज इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे दिनेश अग्रवाल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया था। भाजपा में आने के बाद दिनेश अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर वो आज भाजपा में शामिल हुए हैं। मैंने जो धारणा बनाई कि मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हूँ उसके पीछे मेरी बड़ी सफल धारणा है कि जो आज मोदी जी का नेतृत्व है, जिस तरह वो आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, विश्व पटल पे भारत एक नई तरीके से चमकता हुआ दिखाई देता है। हमारे प्रदेश में हमारे युवा मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों के साथ जिस प्रकार प्रदेश के अंदर कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि मुझे आज ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए जो देश की प्रगति के लिए, राज्य की प्रगति के लिए कार्य करे। वहीं कांग्रेस नेता के भाजपा में शामिल होने के बाद प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति ने उन्हें और उनके सहयोगियों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। 6-6, 7-7 बार उनको चुनाव लड़ा दिया, योग्य थे या नहीं थे पता नहीं, उसके बावजूद भी उनको मंत्री बना दिया, उसके बाद मेयर का चुनाव दे दिया, इससे ज्यादा तवज्जो और क्या देखें। और आज भी आप देखेंगे जो हमारे स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें उनका नाम है, इससे ज्यादा तवज्जो और पार्टी क्या देगी। पर हाँ, जो उनके कारण है जाने के उनको हम जल्दी आप सबके सामने लेके आए। मेरे को उनको किसी उनकी किसी टिप्पणी में बात नहीं करी, हमने उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में पिछले 1-1.5 साल से लगातार सक्रिय थे। हमारे बड़े नेताओं ने कोशिश भी किया, रिशा अवधि और प्रीतम सिंह जी स्वयं उनसे मिलके उनसे बातचीत की, उनको मेयर का टिकट दिया, मंत्री बनाया, और उससे ज्यादा आप क्या चाह रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज देहरादून में कांग्रेस के घोषणा पत्र न्याय पत्र के 5 न्याय और 25 गारंटियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। कुल अभाव है, कांग्रेस पार्टी के 135 करोड़ जबरन जब्त हो जाते हैं, चुनाव के मुहाने पर ये देश खड़ा है, हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, तो ये संसाधन की कमी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है जब संसाधन की कमी होती है और देश की जनता ये देख रही है कि ऐसी एक तरफा कार्रवाई विपक्ष के खिलाफ की जा रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से प्रमुख विपक्षी पार्टी के बंद कर दिए जाते हैं बैंक अकाउंट, दो तो देश की जनता सब समझती है, वही खड़ी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट, वही सुविधा अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर हो कि मैं RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उधम सिंह नगर जिले में स्वीप टीम ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत खेल विभाग के सहयोग से स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह ने बताया कि चुनाव में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वीप के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खेल के साथ लोगों को वोट के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। भारत निर्वाचन आयोग का एक मैंडेट है और उन्होंने एक नारा दे रखा है कि सभी को इस मतदान
की प्रक्रिया में शामिल कराया जाए, तो लोगों को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान जिले के विभिन्न स्थलों पर चलाया जा रहा है, विभिन्न विभागों द्वारा चलाया जा रहा है। और इसमें उद्देश्य यही है कि बच्चों को भी शामिल किया जाए, अपने स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको मोटिवेट करें, अपने माँ बाप को, अपने पास पड़ोस के लोगों को, उसी के तहत ये कार्यक्रम है। छात्रा अजरवी पाशा और सूरज सिंह ने कहा कि हमने क्रॉस कंट्री दौड़ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है, जिससे कि मतदाता आगामी 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव में वोट जरूर दें। आज हमने रैली निकाली है ताकि लोग जागरूक हो सकें, अपने वोट मताधिकार कर सकें, जो कि आने वाली 19 अप्रैल आगामी लोकसभा चुनाव में लोग अपने मताधिकार करें। आज खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, मेरी उम्र 18 से कम है, जो हमने लोगों को रनिंग के माध्यम से जागरूक किया कि वो आने वाली 19 तारीख को अवश्य वोट डालें और योगदान करें। गर्मी शुरू होते ही प्रदेश के जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। बागेश्वर और टिहरी जनपद में तापमान बढ़ने से जंगलों में आग लगने की घटनाएं हुई। बागेश्वर जिला मुख्यालय समेत धर्मघर और गढ़खेत रेंज के जंगलों में आग लगने से वन संपदा को नुकसान हुआ है। अग्निशमन अधिकारी गोपाल सिंह रावत ने बताया कि जंगल की आग समय रहते बुझाई गई है, जिससे आग से अधिक नुकसान नहीं हुआ है। इसमें अब तक जनवरी से अब तक टोटल 10 फॉरेस्ट फायर की हमें सूचनाएं मिली थी। जो सूचना मिल रही है उसमें हम लोग तुरंत कार्रवाई उसमें करते हैं और ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। छोटी ही आग रही थी, जो बड़ी थी उनको पीट पाट के भी बुझाया गया। तो हमारे जो फायर सर्विस के हैवी व्हीकल्स होते हैं तो हमारे रीच में जो हैं जो भी अग्निकांड है उस पर और सूचना मिली है तो हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको बड़ा होने से तो बचाया है और फैलने से भी बचाया है। वहीं धर्मघर रेंज के उपराड़ा में आग लगने से आधा हेक्टेयर जंगल में सूखी घास पिरूल समेत अन्य वन संपदा जलकर खाक हो गई। गढ़खेत रेंज के वजूला में एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में आग से नुकसान हुआ है। दोनों रेंज क्षेत्र में तैनात वन विभाग कर्मचारियों ने आग को काबू कर अधिक नुकसान होने से बचाया। उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर सुनील कुमार ने बताया कि जिले में आग से 2 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। लंबे समय से बारिश न होने के कारण मॉइस्चर बहुत कम हो चुका है, जिस कारण आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन हमारे द्वारा आग को बुझाने के लिए अग्रिम रूप से पूर्ण तैयारी की जा चुकी है। पूरे बागेश्वर जनपद में 30 क्रू स्टेशनों का निर्माण किया गया है और प्रत्येक क्रू स्टेशन पर 4-4 कर्मचारी हमारे तैनात हैं, जो आग की घटनाएं संज्ञान में आते ही त्वरित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। और जहाँ तक आग लगने की घटनाएँ हैं वहाँ जल्दी से जल्दी उनको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक 2 गंभीर आगें हमारे जनपद में लगी हैं, जिनमें लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है। वहीं टिहरी जिले के पोंखाल रेंज के अंतर्गत पिलखी और पटागली गांव के जंगलों में आग लगने से 2 हेक्टेयर वन प्रभावित हुआ है। उप प्रभागीय वनाधिकारी रश्मि ध्यानी ने बताया कि वन कर्मियों द्वारा समय रहते आग को बुझाया गया है। तापमान में लगातार वृद्धि को देखते हुए सभी क्रू स्टेशनों को अलर्ट कर दिया गया है। पर जो पिलखी क्रू स्टेशन है उसके कर्मचारियों द्वारा बुझा दी गई है और जैसे कि अब हम देख रहे हैं तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, तो हमारे भी स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि जो क्रू स्टेशन में तैनात जितने भी कर्मचारी हैं वो हर वक्त एक्टिव मोड में रहें और अग्नि की दुर्घटना की किसी भी सूचना पर और किसी भी घटना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस कार्यालय को सूचित करें। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ जनसभाएं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने देहरादून में कांग्रेस के घोषणा पत्र न्याय पत्र के बारे में जानकारी दी, भाजपा पर एजेंसी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। उधम सिंह नगर जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन, 100% मतदान के लिए लोगों को किया जागरूक।
और तापमान बढ़ने के साथ जंगलों में आग लगने की होने लगी घटनाएं। बागेश्वर और टिहरी जिले में समय रहते बुझाई गई आग। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।